एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक होममेड फेशियल, जो कि आप इजीली अपने घर पे कर सकते हैं। एंड जो भी इसमें चीज़ें मैंने आप यूज़ की हैं, सभी चीज़ें आपको घर में प्रोवाइड हो जाएंगी, किचन में मिल जाएंगी सभी चीज़ें। बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई पैसा खर्चने की ज़रूरत होगी। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहे वीडियो। हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। उससे ये होगा कि जो भी मेरे आने वाली वीडियो वो आपसे मिस नहीं होगी। एंड जो भी इस फेशियल का रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं। आप भी, मैंने एक वीडियो शूट की है तो उसके उसके बाद आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लॉलेस मेकअप हुआ है। कोई भी हम स्किन केयर करते हैं उसके बाद अगर हम मेकअप करते हैं तो वो फ्लॉलेस हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि स्किन हमारी पेम्पर हो जाती है और जो भी हम अपने फेस पे बेस अप्लाई करते हैं वो काफ़ी अच्छा फ्लॉलेस दिखता है। आई होप आपको ये अच्छा लगे वीडियो। एंड जो इसका रिजल्ट है वो आपके फेस पे ज़रूर दिखेगा, एंड आपका फेस बिल्कुल गोल्ड की तरह, सोने की तरह निखार आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर नहीं आता तो डिसलाइक भी करिएगा, जिससे कि मेरे को पता लगेगा कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो आपको कुछ हेल्पफुल, आपके लिए, आपको पसंद भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपके लिए हेल्पफुल है भी या नहीं। एंड तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, एंड अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ हम अपना क्लिंजर रेडी करेंगे। एक बाउल लेंगे, उसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन आपको पता ही है अपने फेस के लिए कितना अच्छा माना जाता है। एक अच्छा क्लिंजर होता है, आपके फेस के टेक्सचर को चेंज करता है, आपकी स्किन को लाइट करता है एंड आपके ऑयल को कंट्रोल करता है। काफ़ी अच्छा माना जाता है फेस के लिए बेसन। एंड इसमें मैंने राइस वाटर ऐड किया है, जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, आपके जो पोर्स को है मिनिमाइज़ करता है, आपके सनबर्न को कम करता है। टर्मरिक एक एंटीसेप्टिक माना जाता है, जिसे जो फेस की प्रॉब्लम होती है उसे कम कम करता है। एंड इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी एंड अपने फेस पे इसे अप्लाई कर लेंगी। एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है जो अपने फेस पे अप्लाई हो सके। एंड इसको एक ब्रश की हेल्प से अपने फेस पे मैंने अप्लाई करा पूरे फेस पे, एंड नेक को अच्छे से कवर करना है। राइस वाटर काफ़ी अच्छा माना जाता है आपके फेस के लिए, एंड ये हेल्प करता है आपकी जो एक्ने होते हैं, एक्ने प्रॉब्लम होती है उसे कम करने के लिए। एंड टर्मरिक भी आपके एक्ने को कम करता है। एंड जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं सभी नेचुरल चीज़ें हैं, जो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं। बट अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपको इरिटेट कर रही है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। एंड जो बेसन है वो आपको पता ही है आपकी स्किन की जो डेड स्किन है उसे कम करता है, आपके चेहरे की जो रंगत होती है उसे निखारता है, जो पिंपल्स के स्पॉट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं उसे मिटाता है। एंड अगर आप इसे यूज़ करेंगे हफ्ते में 2 बार, जो भी फेशियल मैंने बताया है ये नेचुरल है, कोई भी चीज़ इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ आपको साइड इफ़ेक्ट करेंगी, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वीक में 2 टाइम आप इसे कर सकते हैं यूज़। एंड इसको आप देख सकते हैं पूरा फेस ऑब्जर्व कर चुका है, एंड मैं अपना फेस जब क्लीन करूँगी आप देखेंगे इफ़ेक्ट कितना अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं कितना फ्रेश लग रहा है मेरा फेस एंड क्लीन लग रहा है। सेकंड में यू अब रेडी करेंगे स्क्रब। यहाँ मैंने बेसन लिया है अगेन, जो मेन पार्ट है इसमें फेशियल में वो बेसन का है। एंड ये राइस वाटर काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा आपके फेस पे, आपकी स्किन जो है शाइन करेगी एकदम। एंड जो आप टर्मरिक में ऐड कर रहे हैं उससे आपके जो स्किन है काफ़ी अच्छी ग्लोइंग बन जाएगी। एंड जब भी आप इसके बाद फेस्टिवल में मेकअप करेंगे वो आप एकदम उठ कर आएगा, फ्लॉलेस दिखेगा, एकदम अच्छा मेकअप उभर कर आएगा। एंड मैंने यहाँ पे ऐड किया है बेसन में राइस वाटर एंड टर्मरिक एंड राइस, जो मैंने ओवरनाइट भिगोए थे वो काफ़ी छोटे पार्टिकल्स थे, वो मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी, उसी से मैं स्क्रबिंग करूँगी। एंड स्क्रबिंग से आपके जो डेड स्किन है उसे रिमूव होगी एंड आपकी चेहरे पे जो काली परत होती है जिसकी वजह से हमारा फेस काला लगता है एंड काफ़ी अनइवन लगता है, एंड जो हमारे नेक एरिया में ब्लैक हेड वाइट हेड्स होते हैं उसे कम करता है, एंड इससे हमारा फेस काफ़ी क्लीन हो जाता है, हमारी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी एंड काफ़ी लाइट लगे लाइट
लाइटन एंड ब्राइटन दिखेगी। अब इसको मैं अपने हाथों से जो वही फेशियल स्टेप है उसे अप्लाई करते हुए मैं अपने फेस को अच्छे से स्क्रबिंग कर लूँगी। अच्छे से करना है जिससे कि जो भी ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स हैं वो रिमूव हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, इसको करने के बाद मेरा फेस इतना क्लीन हो गया था, आप मान नहीं सकते। इसके बाद मैंने एक वीडियो शूट की थी, आई थिंक इस वीडियो के बाद आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी। एंड इसके बाद मैंने अपना पैक रेडी किया। पैक रेडी करने के लिए यहाँ मैंने बेसन लिया एंड ये ऑरेंज पील पाउडर है जो मैंने अपने होम घर पर ही बनाया था। एंड एक मुल्तानी मिट्टी ली है, ये भी हमारे फेस को काफ़ी लाइट एंड ब्राइटन करने में हेल्प करता है, आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, फेस पे एक अच्छी सा निखार आता है। एंड अगेन मैंने यहाँ पे राइस वाटर ऐड किया, टर्मरिक ऐड किया। एंड यहाँ पे इसके बाद मैं लूँगी रोज़ वाटर ऐड कर लेंगे। आपने अच्छा सा एक पेस्ट बनाया जो आपके फेस पे अप्लाई हो सके एक लेयर से। एंड यहाँ पे मैंने हनी ऐड किया है। हनी जो है आपके फेस को एक अच्छा मॉइस्चराइज़र माना जाता है, आपके स्किन को काफ़ी हाइड्रेट रखता है, आपके चेहरे पर एक अच्छा ग्लो लाता है और जो पिंपल्स के बैक्टीरिया उसे कम करने की कोशिश करता है। त्वचा को एक अच्छा चमक चमक लाने की कोशिश करता है। स्किन की जो मसल्स होती हैं उसे रिलैक्स करता है जिससे आपकी स्किन है काफ़ी ग्लोई हो जाती है एंड काफ़ी अच्छी दिखती है, हेल्थी स्किन दिखती है। एंड इसे हम अप्लाई करते हैं एक हनी को, हनी में लेमन ऐड करके भी हम अगर अप्लाई करेंगे तो उससे भी हमें काफ़ी इफेक्ट मिलता है। एंड इसको मैं अपने फेस पे पूरा अप्लाई कर लूँगी। एक ऐसी लेयर अप्लाई करनी है जिससे कि पूरा फेस कवर हो जाए एंड कोई भी एरिया छूटे ना। एंड मैंने नेक पे कवर कर लिया है एंड इसको 15 मिनट तक छोड़ना है। एंड इसके बाद मैं अपने हाथों पे पानी लेके अच्छे से अपने फेस को स्क्रबिंग की तरह, जिससे कि जो भी मेरी रेड स्किन होगी वो रिमूव हो जाए, जो कि स्क्रब करते वक्त ना निकली हो वो इस स्टेप में निकल जाए। आई होप आपके ये फेसियल हेल्पफुल रहेगा। हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा एंड ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितना ग्लो आ गया है। आई होप आपको पसंद आएगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।